जो जो बंदे जीजी माउस प्रो के यूज करते हैं उनको पता है क्या क्या प्रॉब्लम अभी दिखा रही है। जैसे कि मेरे को भी एक प्रॉब्लम आ रही है, जो कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट नहीं हो रही है अच्छे तरीके से, गेम प्ले कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो फायर बटन है, उसको क्लिक करने पर कोई भी काम नहीं कर रहा, फॉल्स मार रही है या तो सेंसिबिलिटी काम नहीं कर रहा। मतलब जब आप बंदे को मारने जाते हो आपका जो फायर बटन है वो काम नहीं करता है, जॉयस्टिक प्रॉब्लम दिखा रही है, भाई सब कुछ प्रॉब्लम एक साथ आ रही है। ठीक है, तो वही इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैसे ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के लिए जो आपका ये वीडियो है ये क्लियरली देखना होगा, एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से देखना, तभी आपका ये मेरे तरह गेम प्ले कर पाओगे। क्योंकि मैंने भी इतना जो अभी आप लोग ये प्रॉब्लम देख पा रहे हो मेरा भी आ चुका था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, तो मेरा अभी गेम प्ले देख सकते हो, बहुत बढ़िया पीसी की तरह गेम प्ले हो रही है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, एकदम सेटिंग में आ जाते हैं। तो अब बात करते हैं सेटिंग में आके क्या क्या करने पर आपका जो सेटिंग है वो सही होगा और आप लोग बेस्ट से बेस्ट गेम प्ले कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के लेट्स गो। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, जी जी माउस प्रो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो फ्री फायर आ रही है फ्री फायर में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका फ्री फायर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका जो एक्टिवेशन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कैसे एक्टिवेशन करना होता है। ठीक है, और इसमें ना पांडा माउस प्रो की तरह नहीं है जो कि एक बार एक्टिवेशन करने पर दोबारा करना होता है। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार करोगे तो भाई एकदम लाइफ टाइम। ठीक है, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, वो कोई बात नहीं है, एकदम आसान तरीका है, वो एक बार वीडियो को देखोगे समझ जाओगे। चलो अभी क्या करते हैं, हम लोग सेटिंग में चले आते हैं, सेटिंग में क्या क्या करना है हम लोग दिखा देते हैं। चलो हम लोगों को क्या करना है, पहले ये जो जीजी माउस प्रो का लोगो देख पा रहे हो इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ऐसा एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, इसके ऊपर एडिट और एडिटर ऑप्शन आ रही है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर सबके सब की मैपिंग आ जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर जरा मतलब कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मेरा जो सेटिंग है ऐसा है और इसमें मैं बढ़िया गेम प्ले करता हूँ एकदम आसान तरीके से, एक बच्चा भी सीख लेगा कैसे कहाँ पर क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो मैं पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो ये व्यू वाला बटन है इसका जो सेटिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो और जो चीज़ है हमारा जॉयस्टिक ये भी हम लोग बता देते हैं, जॉयस्टिक कहाँ पर रखने पर आपका जो जॉयस्टिक प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इसके पहले आपको क्या करना है बता देता हूँ। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल्स में आना है। कंट्रोल्स में आने के बाद यहाँ पर कस्टम में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो सेटिंग है वो क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबके पहले जो इम्पोर्टेंट वो है आपका जॉयस्टिक, जॉयस्टिक को कितना रखना है कहाँ पर रखना है वो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो बंदे अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर चुके प्लीज़ कर देना, और इसको कितना रखने वाले हम लोग देखो एकदम छोटा कर दो। ठीक है, जितना छोटा हो सके, होने के बाद आप लोग या तो 10 रख दो या तो 20 रखो। ठीक है, रखने के बाद इसको ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आने के बाद यहाँ पर रख दो। ठीक है, ये जॉयस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो इसको और ऊपर कर दो, यहाँ पर रख दो। ठीक है, रखने के बाद जो हमारा फायर बटन है, आप लोग दो चीज़ कर सकते हो, दो चीज़ क्या क्या है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फायर बटन को एकदम छोटा कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो ये बटन है तो इस साइड रखो या तो इस साइड रखो, जो कुछ भी इस साइड रखोगे मैं दिखा देता हूँ, मैं पहले सेटिंग कर लेता हूँ बाद में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, ये जो सेटिंग है जैसे कि ये सब कुछ यहाँ पर रखोगे या तो जूम बटन सब कुछ यहाँ पर रखोगे। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर रख देना, क्योंकि और ये जो चीज़ है ग्लोअल मेडिकेट एंड क्या है बॉम्ब, ये करेक्टर स्किल, ठीक है, सब कुछ इस साइड एंड बैठने वढ़ने ये भागने का जंप करने का बटन सब इस साइड रख दो। रखने के बाद जो आपका फायर बटन है ना, है तो इस साइड रखो या तो लेफ्ट या राइट साइड रख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप लोग राइट रख के देखो और दूसरा लेफ्ट रख के देखो, क्योंकि आपका जिसमें सबसे बढ़िया गेम प्ले होता है वहाँ पर रखोगे तभी आपको बेस्ट होगा। ठीक है, पहले हम लोग दिखा देते हैं मेरा जो सेटिंग है वो कैसा है। ठीक, तो देख सकते हो ये है मेरा सेटिंग। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो जंप एंड जूम बैठने का जंप करने का सब कुछ एक साइड रखे हैं,
और जो हमारा कैरेक्टर स्किल बैक पैक एंड ग्लोअल फायर बटन सब कुछ इस साइड रखे हैं, ठीक है। ये अलग चीज़ रखो, ये अलग चीज़ रखो, और फायर बटन आप यहाँ पर भी रख सकते हो एंड यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर रखोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर सही से नहीं हो पा रही है मुझे लगता है, यहाँ पर हाँ अभी अभी दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर भी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक एक बार देख के लेना, क्योंकि ये तो पीसी नहीं है जो एक एक बार में हो जाएगा, लेकिन एक बार हो गया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके देखो, या तो लेफ्ट या तो राइट। तो दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है वो है सेंसिटिविटी, और जो दूसरा चीज़ है और एक चीज़ है वो हमारा कीबोर्ड एंड माउस एक बार में कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। वो भी प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो का अंत तक देखना। तो हम लोगों को क्या करना है, जो सेंसिटिविटी है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एडिटर में क्लिक करो, यहाँ पर रख के जाओ। जाने के बाद यहाँ पर जो व्यू वाला बटन आ रही है ना, व्यू वाला बटन में क्लिक करो और यहाँ पर देखो सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को आपको क्या करना है, देखो सेंसिटिविटी ये है वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट से राइट, हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट से राइट, जब ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, मूवमेंट करोगे। और वर्टिकल होता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता है वर्टिकल, समझ लो मेरी बात को। तो इसको बढ़ाओगे तो 350 है ना, इसको बढ़ाओगे तो आप लोग तो वर्टिकल जो है वो ऊपर नीचे ज़्यादा मूव करेगा। तो हम लोग क्या रखने वाले, जो देखो ये मेरा सेटिंग मत करना, और करना है तो कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपका क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। गेम प्ले में फोकस करो, गेम प्ले के फोकस करते करते आपका जो सेंसिटिविटी वो सिंपल आपको साथ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ पहले जो आपका सेटिंग रखना है, अच्छा फ़ोन है तो आपका 250 रखना है, ठीक है, सब कुछ 250 रख दो। ये 330 है ना, इसको 250 रख दो, इसको भी 250 रख दो। धीरे धीरे अपग्रेड करो, पहले गेम प्ले करो, धीरे धीरे अपडेट करो, तब आपका जो गेम प्ले है वो तुम्हारा हाथ में आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल कर पाओगे तभी आप लोग, मतलब समझ में आएगा भाई हाँ इतना से इतना रखूँगा तो अब मेरा जो गेम प्ले है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो आप लोग इतना रख सकते हो जितना आपको मतलब अच्छा लगे, लेकिन मैं यही कहूँगा जो कम कम सबसे कम रख के धीरे 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 गेम प्ले करो और धीरे धीरे बढ़ाओ, तब जाके आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो यूट्यूबर कहता है ना आपको, जो भाई आपका सेंसिटिविटी वो ये प्रॉब्लम है, भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो गेम प्ले है किस लिए इम्प्रूव नहीं होता, आप लोग सेटिंग में इम्प्रूव करते ही नहीं हो, क्या करते हो भाई दूसरे का सेटिंग दे के गेम प्ले स्टार्ट करते हो। ऐसे मत करना, क्योंकि ऐसे गेम प्ले करोगे तो कभी भी आपका गेम प्ले इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपका क्या करना है, गेम प्ले करना है, सेटिंग भी चेंज करना है, करते करते ऐसे सेटिंग बनाना है जिसमें आपका परफेक्ट गेम प्ले हो, ठीक है। ऐसा होने के बाद आपका जो कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट है वो प्रॉब्लम कैसे, मतलब प्रॉब्लम जो हारी हो वो सॉल्व कैसे करें, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। तो चलो सबके सब लाइक शेयर कमेंट ठोको यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो चलो अभी हम लोग कैमरा में आ जाते हैं, मतलब फ़ोन का कैमरा में आ जाते हैं, और मैं बताता हूँ कहाँ पर क्या करने पर आपका जो कीबोर्ड एंड माउस है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी बंदे का कीबोर्ड एंड माउस प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है ये वीडियो देख लो, ठीक है। तो कीबोर्ड एंड माउस को प्रॉब्लम जो आती है वो किस लिए आती है मैं बता देता हूँ। पहले ये भाई फोकस कर ले यार, क्या कर रही है यार, इज्जत की धजिया पूरी बना रही है। चलो यहाँ पर जो हमारा फ़ोन दिख रहा है ना भाई, फोकस कर ले यार छी। यहाँ पर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जो यूएसबी हब है वो वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यूएसबी जो हब है आपको निकलना है, ये इसको क्या करना है उल्टा, देखो एक बार क्या करना है, ऐसे करना है, एक बार ऐसे करना है, ठीक है। दो तरीके से भी कर सकते हो, तो यहाँ पर जो सही हो जाए वही करना है आपको, ठीक है। तो इसको लगाने के बाद यूज भी आपको लगा देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सबसे सब यहाँ पर है, ये ओ टी जी हाफ, या तो तुम्हारा प्रॉब्लम मतलब सही नहीं है, या तो क्या बताओ सही से लगाया नहीं है, ठीक है। तो ये सही से लगाओगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और चलो जो बंदे अभी तक सब्सक्राइब बटन को नहीं फोड़ चुके हो भाई, सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो। ये हमारे चैनल है, चैनल में जाके यहाँ पर सब्सक्राइब बटन आ रही है, सब्सक्राइब बटन को फोड़ के यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर दो, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा और आप पहले देख पाओगे। और ये हमारा पीसी है, पीसी को क्लियरली यहाँ पर अनबॉक्सिंग नहीं किए थे,
जो कि अभी करने वाले, ये चेक करो यार क्या लग रही है, बताओ ये सही लग रही है ना, एकदम झकास, क्या कहते हो आप, एकदम क्लियरली झकास, क्या बताओ यहाँ पर बताओ, इतना झकास क्या यार, पता है कभी देखो तो सही, एकदम दिल छू गया। बाय, फिर मिलेंगे नई वाली एक वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, चलो।